हेलो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमोल है। मैं आपको जीएसटी मुनिम जी का डेमो देने जा रहा हूँ। सपोज जस्ट वी गोज ऑन टू लॉगिन स्क्रीन। ये लॉगिन स्क्रीन है जिसमें आपके यहाँ पे कंपनी नेम दिखेंगे, और उसके बाद में जो कंपनी नेम के लिए हमने जो पासवर्ड सेट किया हुआ है वो हम यहाँ से पासवर्ड इंटर करके इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई पासवर्ड चेंज करना है या कंपनी की कोई भी डिटेल चेंज करनी रहेगी तो आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाके यहाँ पे आपको कंपनी का डिटेल लिखिएगा। यहाँ पे कंपनी की डिटेल में कंपनी का नेम है, कंपनी का एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, देन जीएसटी नंबर है, उसका उसका बैंक डिटेल है, उसका अकाउंट नंबर है और उसका आईएफएससी कोड है, और यहाँ से आप उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये डिटेल चेंज करनी रही तो आप अपडेट पर क्लिक करिए। अगर आपको कुछ नहीं करना रहा तो फिर एग्जिट करके इसको क्लोज कर दीजिए। अभी हम यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे है। लॉगिन स्क्रीन में कंपनी नेम और उसका पासवर्ड और ईयर यहाँ पे मेंशन किया गया 2018 एंड 19। जस्ट आई क्लिक ऑन लॉगिन। लॉगिन होने के बाद अपने के लिए मेन विंडो ओपन होती है, जिसके अंदर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। सेल्स इनवॉइस का शॉर्टकट है, परचेस इनवॉइस का शॉर्टकट है, डिलीवरी चलन का है, कस्टमर का है और आइटम मास्टर का। उसके बाद में आप यहाँ पे हेडर पे देखोगे तो यहाँ पे जीएसटी मुनिम जी डेमो ईयर 2018 एंड 19, यहाँ पे आपको आपके कंपनी का नेम भी शो हो रहा है, और ऊपर यहाँ पे हमारा कंपनी का लोगो लिखा हुआ है जीएसटी मुनिम जी, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देके रखी हुई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है सिस्टम में, कोई भी इशू आता है, इनवाइस जनरेट करते समय कोई इशू आता है, परचेस करते समय, परचेस के एंट्री मारते समय कोई इशू आता है, तो आप कभी बेझिझक आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। और ये जो स्क्रीन दिख रहा है जहाँ पे मुनिम जी लिखा हुआ है, स्पेशलिस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे आपके कंपनी का लोगो भी हम आपको अपलोड करके दे देंगे। लेट्स नाउ वी स्टार्ट ओवर जीएसटी मास्टर। अभी इस सिस्टम में हमने मास्टर्स दिए गए जिसके अंदर हम क्या क्या कवर करते हैं। आइटम मास्टर रखा गया है, कस्टमर मास्टर रखा गया है, वेंडर सप्लायर मास्टर है एंड माय प्रोफाइल। अभी मैं आइटम मास्टर में जाता हूँ। आइटम मास्टर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर शॉर्ट कोड है, फिर उस आइटम का डिस्क्रिप्शन है, उसका ग्रुप नेम है, एचएसएन कोड और एसएससी कोड है, उसका उसके ऊपर जीएसटी कितना लगता है वही हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे रेट विदाउट जीएसटी यानी बेसिक कॉस्ट जिसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है, और रेट विद जीएसटी मतलब ये जो रेट रहेगा जो जीएसटी के साथ में रेट है। और सपोज फॉर एग्जांपल इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया गया है जिसमें आप उसको आप बैग्स में कैलकुलेट करोगे, बेल्स में करोगे, डजन में करोगे, नंबर्स में करोगे, पैकिंग में करोगे, मीटर्स में करोगे, मैट्रिक्स में करोगे, जो भी आपको न्यूमरिक के फॉर्मेट यूज़ करने या ग्रॉस में करोगे उस हिसाब से आप उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अभी हम एक काम करते हैं, एक पार्ट कोड लेते हैं। सपोज पार्ट कोड में ले रहा हूँ 9898, ये पार्ट नंबर लिया है। अभी इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इस पार्ट नेम का, पार्ट नंबर का डिस्क्रिप्शन रहने वाला है, ये मेरा एक लैपटॉप है, इसको मैं कैप्स लॉक ऑन करता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है जिसका हार्ड डिस्क 1 TB का है, रैम 4 GB है, ग्राफिक कार्ड 2 GB है, और जो भी कोई फीचर रहेंगे, सपोज अभी उसका स्क्रीन 15 इंच है। ओके, एंड उसके बाद आएगा इसका ग्रुप नेम, ये कौन से ग्रुप में आता है। तो अभी ये इसका ग्रुप आएगा लैपटॉप का। अभी लैपटॉप का सपोज फॉर एचएसएन नंबर में लेता हूँ 9090। ओके, तो अभी लैपटॉप पे जो जीएसटी है 18% जीएसटी है लैपटॉप पे, उसका बेसिक रेट। अभी मोस्ट ऑफ द लैपटॉप जो सेल किया जाता है, सपोज अभी 25,000 का हुआ, 30,000 का हुआ, 32,000 का हुआ, ये इंक्लूडिंग जीएसटी कॉस्ट रहता है। तो अभी इंक्लूडिंग जीएसटी कॉस्ट में सपोज मेरे लैपटॉप की कॉस्ट है 32,000। 32,000 के बाद में इसका बेसिक रेट आना जरूरी है। तो आप हमको यहाँ पे इसके जैसे 32,000 डालेंगे तो वैसे अपने को एंटर प्रेस करना, तो इसका बेसिक कॉस्ट आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और इस लैपटॉप को जिस तरीके से हम गिनते हैं, सपोज लाइक एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे हम तेल को लीटर में गिनते हैं,
अंडों को डजन में गिनते हैं, कोई 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 आइटम है उसको डजन में गिनते हैं, कोई कोई आइटम है उनको ग्रॉस में गिनते हैं, कोई कोई आइटम है उनको नंबर्स में गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी लैपटॉप को हम किस में गिनेंगे, नंबर्स में। नंबर्स हो गया, ये नंबर्स हो गया। आपको पूरा नाम रखना है पूरा नाम रखिए, शॉर्ट नेम रखना है शॉर्ट नेम रखिए। अगर आप यहाँ पे पूरा नेम रखोगे तो आपके बिल के ऊपर भी पूरा नाम ही छपने वाला है, यहाँ पे शॉर्ट कोड रखोगे शॉर्ट कोड ही आपके बिल के ऊपर छपने वाला है। तो अभी मैं इसको यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट सेव ये दोनों एक ही ऑप्शन है। अभी यहाँ से मैंने इसको इंसर्ट किया, अभी क्या हुआ कि मेरे को इस लैपटॉप को अपडेट करना है। लैपटॉप, अभी कौन सा लैपटॉप है, ये वाला लैपटॉप है। अभी यहाँ पे मैं कंपनी नेम डालना ही भूल गया। अभी इसका कंपनी नेम सपोज मेरा है लिनोवो का मेरा ये लैपटॉप है, लिनोवो का जाने दो, हम इसको लेते हैं डेल का लैपटॉप। ओके, नाउ जस्ट इस गोज ऑन टू अपडेट, इसको अपडेट किया गया। तो अपडेट किया गया तो वापस अगर डबल यहाँ पे देखूंगा तो मैं लैपटॉप डेल हार्ड डिस्क 1 TB रैम 4 GB ग्राफिक कार्ड 2 GB एंड स्क्रीन साइज 15 इंच, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो वापस मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एग्जिट करता हूँ, देन उसके बाद आता है कस्टमर मास्टर। कस्टमर मास्टर जिसके अगेंस्ट में हमको बिल बनाना है। अभी ये कस्टमर मास्टर की स्क्रीन में, कस्टमर मास्टर में हमने सोल टू बिल टू यानी कस्टमर का नेम, उसकी फर्म का नेम, उसका नेम, उसका पर्सनल नेम रह सकता है, उसके बाद में उसका एड्रेस रखा गया है, मोबाइल नंबर रखा गया है, उसका GST नंबर रहेगा तो हम उसका GST नंबर ले सकते हैं, उसके बाद में उसका पिन कोड है, स्टेट कोड रखा हुआ है, पैन नंबर रखा है, डिलीवरी टर्म रखा है और ग्रुप नेम रखा हुआ है। तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे वेंडर। वेंडर और सप्लायर में उसका कंपनी जिससे हम मटेरियल परचेस करते हैं, सपोज वो अपना वेंडर हो सकता है या सप्लायर हो सकता है, तो यहाँ पे उसका कंपनी नेम आएगा, उसके मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। एड्रेस 1 एक मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस रह सकता है, एड्रेस 2 उसका ट्रेडिंग का एड्रेस रह सकता है, फिर उसका पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, स्टेट कॉन्टैक्ट नंबर, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उस कॉन्टैक्ट पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, CC2 अंडर प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट के अंदर वो वेंडर नोटिफाई करता है, उसकी वेंडर की अकाउंट डिटेल, उसका बैंक का नेम, IFC कोड और वेंडर का GST नंबर। तो अभी हम ये रियल टाइम पे ये मास्टर्स ऐड करेंगे। आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, सपोज अभी मुथा ट्रेडर्स है, GST मुनीम जी डेमो, इसका हमने पूरा डेटा भर के रखा हुआ है। अभी मैं इसको एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे मास्टर में और एक ऑप्शन है माय प्रोफाइल करके। माय प्रोफाइल में आपका कंपनी का प्रोफाइल एड्रेस चेंज करना हुआ, टेलीफोन नंबर चेंज करना हुआ, या GST नंबर में कोई मॉडिफिकेशन है वो चेंज करना हुआ, या बैंक अकाउंट की डिटेल चेंज की है, या आपको लोगो अपलोड करना, वो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। एक तो आप लॉगिन स्क्रीन से भी चेंज कर सकते हो और उसके बाद में लॉगिन होने के बाद यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। तो हम इसको एग्जिट करते हैं। अभी इसके बाद आते हैं सेल्स इनवॉइस में। अभी हमने सिस्टम में बाकी सॉफ्टवेयर्स में आप देखने जाओगे तो इनवॉइसिंग का एक ही फॉर्मेट दिया जाता है। हमने हमारे सिस्टम में 4 प्रकार के इनवॉइसिंग दिए गए। एक रहता है रेगुलर इनवॉइसिंग। रेगुलर इनवॉइसिंग मतलब आपका बेसिक इनवॉइस है जिसके अंदर रेगुलर बेसिस पे बेसिक कॉस्ट है, समझो 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ के ऊपर 18% GST लगा रहे तो फिर 118 रुपये होने वाला, तो वो रेगुलर में आएगा। बट जो रिवर्स इनवाइस है, रिवर्स इनवाइस में कैसा रहेगा कि 100 रुपये की चीज़ है पर वो मैं GST पकड़ के ही बेच रहा हूँ, GST पकड़ के ही बेच रहा हूँ, तो वो रिवर्स में आ जाएगी। कैश मेमो में जिसमें आपको GST का बिल नहीं देना पार्टी को, पार्टी कोई चलन मांगती है, कैश का पेमेंट करती है, उस समय तुम कैश मेमो वर्कआउट कर सकते हो। उसके बाद का पार्ट आता है अपडेट का। अपडेट में आप इनवॉइस को अपडेट कर सकते हो। और उसके बाद में आता है PO डिटेल। अभी PO डिटेल में कैसा दिया गया है, PO डिटेल में अगर सपोज हमें कोई ऑर्डर मिली हुई है, तो ऑर्डर मिली हुई है, फिर वो जो ऑर्डर मिली हुई है वो ऑर्डर के अगेंस्ट में सामने वाली पार्टी यानी हमारा कस्टमर हमको एक परचेस ऑर्डर नंबर देता है, उसका डेट देता है, उसका डिलीवरी टर्म मिलती है हमें या पेमेंट टर्म मिलती है, उसके साथ में हम उसको मटेरियल जो भेजते हैं उसमें हमारी व्हीकल यूज़ होती है, उस व्हीकल के साथ में उसका LR नंबर रहता है, LR नंबर, व्हीकल नंबर रहता है, अपनी पैकेजिंग स्टाइल तक यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। चलो हम पहले लेते हैं रेगुलर इनवॉइसिंग। अभी ऐड में जाएंगे रेगुलर इनवॉइसिंग। रेगुलर इनवॉइसिंग में सोल टू बिल टू में यहाँ पे आपके जितने कस्टमर मास्टर में कस्टमर ऐड है
वो सब कस्टमर यहाँ पे दिखेंगे। अभी सपोज हमें न्यू कस्टमर ऐड करना है, तो न्यू कस्टमर ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस का आइकॉन रखा हुआ है, इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करिए। अभी न्यू कस्टमर ऐड करना है, अभी मैं यहाँ पे न्यू कस्टमर ऐड करता हूँ, सपोज अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वायरसेस। अभी ये कंपनी आती है नासिक में, तो अभी मैं इसका पूरा पूरा एड्रेस इंसर्ट करता हूँ। सपोज अभी MIDC प्लॉट नंबर 38-240 MIDC सिन्नर नासिक, इसका पिन कोड, मोबाइल नंबर रहेगा तो मोबाइल नंबर, GST नंबर, पिन कोड रहेगा, स्टेट कोड 27 है। स्टेट कोड देखिए, अभी GST नंबर के सामने ये जो मेंशन है ये स्टेट कोड आता है, आप यहाँ पे इसका स्टेट कोड यूज कर सकते हो। अभी मोस्ट ऑफ द GST नंबर के अंदर ही पार्टी का पैन नंबर रहता है, तो यहाँ पे पैन नंबर। अभी पार्टी की पेमेंट कंडीशन कैसी है, सपोज इमीडिएट है या अदरवाइज 30 डेज है, 30 डेज यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अभी ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर हमारा सैंडरी डेबिटर होता है। फिर इसके बाद में इस कस्टमर का हम अपना ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस में डेबिट में या क्रेडिट में यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। सपोज अगर मेरे को कोई कंपनी में चेंजेस करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपनी का नेम चेंज सर्च करूँगा, उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा माउस से, देन उसके बाद में उसका एड्रेस चेंज करना है, या कंपनी का नेम ही गलत हो गया, कंपनी का नेम ही चेंज करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कंपनी का नेम चेंज करता हूँ, MDA टेक्सिस, बाकी डिटेल चेंज करनी रही तो आप चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे वापस MDA टेक्सिस सर्च करूँगा तो यहाँ पे दो कंपनी ऐड हो चुकी है MDA टेक्सिस की। मैं क्या करता हूँ, पहले वाली जो कंपनी थी उसको डिलीट भी कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अभी वापस मैं MDA टेक्सिस सर्च करूँगा तो यहाँ पे मेरे को MDA टेक्सिस, यहाँ पे मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि ये न्यू है। ओके, अभी मैं जाता हूँ सेल्स इनवॉइसिंग। अभी यहाँ पे हमने MDA टेक्सिस न्यू ऐड किया गया है, MDA टेक्सिस में उसका पूरा डिटेल बाइंड हो गया, उसका एड्रेस हो गया, स्टेट कोड हो गया, GST नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, पैन नंबर आ गया, डिलीवरी टर्म आ गया। अभी सेल्स में अगर कोई सेल्समैन रहेगा उनके बीच में, या जो इनवाइस क्रिएट कर रहा है, जिस सेल्समैन से इनवाइस जनरेट हो रहा है, सपोज सेल्समैन का नेम है पंकज शर्मा, हमने पंकज शर्मा का नाम डाला, मैं एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पे जाने के लिए मैं टैब का यूज कर रहा हूँ, जो टैब बटन हमारे कीबोर्ड पे रहता है कैप्स लॉक के ऊपर, उस टैब बटन को वापस अगर मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो मेरे पूरे आइटम लिस्ट ओपन हो गई। अभी हमने क्या ऐड किया था, डेल का लैपटॉप ऐड किया था, उसको हमें सेल करना है, मैंने डेल का लैपटॉप से डेल टाइप किया, डेल का लैपटॉप आ गया। अदरवाइज मेरे को सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही मालूम है, सपोज अभी इसका 15 इंच का है, 15 इंच टाइप किया, 15 इंच का आ गया। अभी सपोज इसका रैम 4GB रैम के मेरे पास कितने सिस्टम है, 4GB का एक लिनोवो का लैपटॉप है और एक डेल का लैपटॉप। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी ये जो कैलकुलेशन होने वाला है ये बेसिक पे GST कैलकुलेट होने वाला है, ठीक है, ये बेसिक पे GST कैलकुलेट हो गया। इसके बाद में ये आइटम कंप्लीट होने के बाद हमें टैप टैप से मूव होना है, देन ये आपको पूछेगा आपको और आइटम ऐड करना है कि नहीं, अगर आपको आइटम ऐड करना है यस करिए, वापस सर्च करिए। अभी मैं इसको लिनोवो का लैपटॉप दे रहा हूँ, अदरवाइज इसको इसके साथ में माउस दे रहा हूँ, तो अभी माउस तो हमारे सिस्टम में नहीं है, माउस हमारे सिस्टम में नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से ऐड आइटम में जाके पार्ट कोड होगा 89898989 माउस आईबॉल ग्रुप नेम एसेसरीज, इसका जो HSN रहेगा वो 18%, माउस का कॉस्ट है 200 रुपीज, यूनिट कॉस्टिंग है इसका नंबर्स, ये नंबर्स, इसको मैंने यहाँ से इंसर्ट कर लिया, इसको एग्जिट कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे माउस सर्च किया, यहाँ पे मेरा माउस भी आ गया, तो माउस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो माउस भी यहाँ पे आ गया। अगर मेरे को और आइटम चेंज करना,
और आइटम डालने रहेंगे तो डू यू वॉन्ट टू ऐड अनदर आइटम, इफ़ यू डू यू वॉन्ट टू नॉट अनदर आइटम देन आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कुछ रिमार्क में डालना है तो सपोज अभी पार्टी कभी कभी क्या करती है, अभी 32,000 का बिल हुआ तो पार्टी आपको दे देगी 10,000 कैश पे, अदर गोज टू फाइनेंस, अदर गोज टू फाइनेंस, फाइनेंस में आपके बजाज फाइनेंस हुए, होम क्रेडिट हुआ, ये मल्टीपल टाइप्स के फाइनेंस आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ये आपको मल्टीपल मैसेज देता है। पहला मैसेज आता है रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, उसके बाद में आपको पूछता है डू यू वॉन्ट टू प्रिंट, डू यू वॉन्ट टू प्रिंट करोगे तो यस करने के बाद आपको एक प्रिंट व्यू ओपन होता है। अभी इस प्रिंट व्यू में देखिए क्या क्या डिटेल देखे रखा हुआ, जीएसटी आपका, ये जीएसटी मुनीम जी, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आएगा, इसके बाद में एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका आएगा और यहाँ पे जीएसटी नंबर भी आपका आएगा, यहाँ पे इनवाइस नंबर आपका रहेगा, इनवाइस डेट ये रहेगा। अभी बाहर का डिटेल, एमडीआई टैक्सेस न्यू, प्लॉट नंबर, जीएसटी, उसका डिटेल आ गया। अभी इसने क्या 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 आइटम दिए इनको हमने एक बार चेक कर लेते हैं। एक लैपटॉप दिया डेल का और एक माउस दिया आईबॉल का। लैपटॉप का कॉस्ट था 27,118, इसका 200। अभी हमने इसको एक नंबर्स दिया, वन नंबर्स, एक एक क्वांटिटी दोनों का दिया हुआ है, सी जी एस टी, एस जी एस टी, यहाँ पे सी जी एस टी का टोटल, एस जी एस टी का टोटल, यहाँ पे बेसिक अमाउंट का टोटल, यहाँ पे आया बेसिक अमाउंट, ये आया टोटल टैक्स अमाउंट 2458.68 का प्लस 4917.36। अगर आपको थोड़ा डाउट भी रहेगा तो आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एंड उसके बाद आता है टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स, ये आएगा बेसिक अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट का टोटल। यहाँ पे बैंक डिटेल है जो आपने हमारे मास्टर में ऐड किया था, बैंक अकाउंट नंबर है और उसका बैंक आईएफएससी कोड, यहाँ पे आपके ऑथराइज सिग्नेचर के लिए आपको बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे वेदर द टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, नो डिक्लेरेशन 10,000 कैश पेड अदर गोज टू फाइनेंस, ये यहाँ पे इसने मेंशन करके दे दिया। अभी जाते हैं हम रिवर्स पे, अभी रिवर्स पे भी हम क्या करेंगे, देखिए डेट ऑफ इनवाइस आ गया, इनवाइस टाइप रेगुलर रहेगा, इसके बाद में रिवर्स यस और नो, यस, वापस हम एमडीए टैक्सेस न्यू के नाम पे ही बिलिंग करेंगे। तो इसमें इसको क्या करेंगे, इसको डेल का लैपटॉप सेल करेंगे बस। अभी डेल का लैपटॉप क्या रहेगा, अभी 27,000 कहाँ का, इसका बेसिक कॉस्ट था, तो जो बेसिक कॉस्ट हम ठहराएंगे उसके ऊपर ही उसका इंक्लूडिंग जीएसटी कैलकुलेट होगा। मतलब इसका बेसिक कॉस्ट कितना हुआ, 22,000 हुआ, फिर उसके ऊपर जीएसटी 18% लगा 27, मतलब अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये करूँगा तो 100 के ऊपर 18% लगेगा। अगर मैं इस चीज़ को डिलीट करता हूँ और मैं वापस अगर कोई आइटम डालता हूँ, सपोज लिनोवो का लिया, लिनोवो का मैं कॉस्टिंग रखता हूँ 1,000 रुपीज़ किया तो ये 1,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग होंगे, 999.9 बाय डिफ़ॉल्ट ये राउंड ऑफ होके आपके सिस्टम में ये आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको सेव किया, इसका प्रिंट व्यू है, तो यहाँ पे प्रिंट व्यू में 1,000 रुपीज़ आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। इसके बाद का पार्ट आता है कैश मेमो का। अभी कैश मेमो में भी मैं एमडीए टैक्सेस न्यू के नाम पे ही बनाऊंगा। यहाँ पे कैश मेमो में मैं लैपटॉप लूँगा, ये लैपटॉप लिया। अभी कैश मेमो में सपोज मैं यहाँ पे अमाउंट ले रहा हूँ कि मेरे ये 25,000 में बेच रहा हूँ, ठीक है 25,000 आ गया, या मैं इसको नो कर दिया, या मैं इसको जो सेल कर रहा हूँ सपोज 22,000 आ गया, मतलब इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होने नहीं वाला था। इसके बाद में यहाँ पे इसका रिमार्क रहेगा, जो रिमार्क डालोगे वो आएगा। इसके बाद में आपका सेल्स का टाइप हो गया, क्रेडिट, कैश, कार्ड और चेक। अब ये कैश में पेमेंट आया तो इसको सेव किया गया, इसका ये स्लिप। तो ये है A5 में, मतलब A4 का जो पेज रहता है उसकी हाफ साइज में ये इनवाइसिंग का फॉर्मेट है। ये होने के बाद अभी हम क्या करते हैं, स्टॉक में जाते हैं, स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक रिपोर्ट में हमने क्या किया था, एक माउस सेल किया था, उसके बाद में एक डेल का लैपटॉप सेल किया, ये माइनस में चला गया, ठीक है। फिर इसके बाद वापस हमने
ये माइनस में चला गया। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो डेल हार्ड डिस्क, डेल का लैपटॉप एंड माउस, इसको मेरे को परचेज दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट करता हूँ, आई जस्ट गोज ऑन टू परचेज, परचेस में कर रहा हूँ GST मुनिम जी डेमो के नाम पे। अगर आपको कोई पार्टी ऐड करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली प्लस बटन है वहाँ पे, वहाँ से आप पार्टी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से GST मुनिम जी ऐड हो गया, अभी इमीडिएट जिससे हमने परचेस किया है वो अपने को इनवाइस नंबर देता है उसका। अगर आपको आइटम डालना है, सपोज अभी मेरे को डेल का लैपटॉप करना है, डेल का लैपटॉप का मेरा परचेसिंग प्राइस था 21,000, क्वांटिटी मैंने परचेस किया 30 क्वांटिटी परचेस किया, पार्टी ने मेरे को डिस्काउंट दिया 10%, और मैं इसको इंसर्ट कर दूँगा। इंसर्ट होने के बाद अगर मेरे को और आइटम ऐड करने रहेंगे तो मैं और आइटम करता हूँ आई बॉल का। आई बॉल का मेरे को माउस मिला है 120 रुपीज़ में, मैंने इसका क्वांटिटी लिया है 200 क्वांटिटी लिया हुआ है, उसके ऊपर भी मेरे को डिस्काउंट मिला है 10% का। ये होने के बाद मैं इसको रजिस्टर करता हूँ, ये हो गया आपका परचेस का एंट्री। ये परचेस का एंट्री आपको आपके GST रिपोर्ट में आपको मिलेगा। क्या किया, डेल का लैपटॉप था और माउस था, उसकी क्वांटिटी डेल के लैपटॉप की 30 क्वांटिटी थी और माउस की 200 क्वांटिटी थी। ओके, नाउ आई क्लोज। क्लोज होने के बाद अभी मेरा आगे का पार्ट क्या है, अगर आपको डिस्काउंट का कैलकुलेशन चेक करना है तो आप डिस्काउंट का कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हो। हमने क्या किया था, इनके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया गया था। अभी देखिए, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट हुआ, इस अमाउंट पे 10% का डिस्काउंट हुआ, टैक्सेबल वैल्यू ये आया, फिर इसके ऊपर आपका 18% कैलकुलेट होके यहाँ पे GST का अमाउंट आ गया, यहाँ पे पार्ट नंबर आ गया, टोटल आ गया, और टोटल इसका टोटल यहाँ पे ये आ गया। आपको इसको एक्सपोर्ट करना रहा एक्सेल में तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके बाद पार्ट आता है कोटेशन का, यहाँ से हम पार्टी को कोटेशन भी दे सकते हैं। सपोज अगर वापस मैं MDA के नाम पे कोटेशन बनाता हूँ, इसको डेल का कोटेशन देना है 10 क्वांटिटी का, जो आपको रेट डालना है 25,000 का है, 25,000 पे GST कैलकुलेट होगा, ये हो गया आपका कोटेशन। यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है, आप आपकी टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइड करो, हम आपको वहाँ पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन अपलोड करके दे देंगे। प्रिंटिंग फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस रहेंगे वो हम आपको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करा के देंगे। इसके बाद का पार्ट आता है अकाउंट में। हमने क्या किया है, MDA टैक्सेस के अगेंस्ट में इनवाइसिंग जनरेट की, MDA टैक्सेस न्यू के अगेंस्ट में, कितने का, 55,236 का। पार्टी हमको पेमेंट कैसा कर रही है, तोड़ तोड़ के पेमेंट कर रही है। SBI के अकाउंट में ये पेमेंट आया 50,000 बाय निफ्टी डेटेड 5/12/2018, ये हो गया इसका 50,000 का पेमेंट आया। इसको F2 प्रेस करना है और ये सेव हो गया। वापस अभी यही पार्टी क्या कर रही है, 4-5 दिन बाद आके आपके पास बाकी का पेमेंट कर रही है। कितना बचा है उसके पास, 5,236। कंट्रोल, अभी इसने क्या किया, ये कैश दिया हुआ है, कैश में कितना किया, 5,236 कैश इन हैंड बाय पंकज शर्मा। ओके, तो ये कौन सी तारीख को दिया, इसने समझो 11 तारीख को, तो मैं इसको F2 करता हूँ, सेव कर देता हूँ, ये हो गया इसका। अभी मैं इस पार्टी का अगर लेजर देखने जाऊँगा, कौन था ये, MDA टैक्सेस न्यू, इस पार्टी का अगर अभी लेजर देखने जाऊँगा तो मेरे को इस पार्टी का ये लेजर मिलेगा। अभी देखिए, 33 नंबर का इनवाइस, 34 का, ये कैश मेमो था 9 नंबर का, उसका कैश मेमो था, इतना क्वांटिटी पर इतने अमाउंट का किया था, इतना डिडक्शन हुआ। इसके बाद में इसने पेमेंट तोड़ तोड़ के दिया, पहला पेमेंट दिया निफ्टी थ्रू दिया, बाकी पेमेंट कैश इन हैंड दिया। वैसे आपका डेमो का, GST डेमो का अगर हम देखेंगे, हमने इनसे इतना परचेस, अब तक इतना मटेरियल परचेस किया हुआ है, और इसके अगेंस्ट में
हमें क्रेडिट, हमने उसको क्रेडिट इतना दिया हुआ, तो अभी यहाँ पे इसका काउंट आ गया। इसके बाद का पार्ट आता है अकाउंट सेक्शन का, हो गया रिपोर्ट। रिपोर्ट में बिल टू सप्लाई, वेंडर रिपोर्ट है, आइटम रिपोर्ट है, आइटम को आप लगे तो एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में। उसके बाद में आपका स्टॉक का रिपोर्ट है, स्टॉक को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में। अभी देखिए हमने क्या किया था, डेल लैपटॉप 30 क्वांटिटी परचेस किया, 1 सेल किया, 29 बचा। माउस 200 परचेस किया, 1 सेल किया, 199 बचा। अभी यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट है, जीएसटी रिपोर्ट में जीएसटी R1 मतलब सेल रिपोर्ट, ये आपका सेल रिपोर्ट आ गया। जीएसटी R2 ये आपका परचेस रिपोर्ट आ गया। देन उसके बाद आता है यहाँ पे सेल्स इनवॉइसिंग, परचेस इनवॉइसिंग, डिलीवरी चल, जो आपने यहाँ पे देखे वही शॉर्टकट यहाँ पे आपको दिए गए। ये शॉर्टकट है आपके, यहाँ से आप कस्टमर भी ऐड कर सकते हो, बाकी चीज़ें भी कर सकते हो। ये देखिए ठीक। इसके बाद में परचेस इनवॉइस है, परचेस यहाँ पे आप मल्टीपल विंडो में वर्कआउट करना चाहते हो, परचेस का भी एंट्री करना है, उसके बाद में सेल का भी इनवॉइसिंग करना है, तो आप यहाँ पे मल्टी विंडो का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। डिलीवरी टर्म्स भी दिया हुआ है। अभी डिलीवरी चलन, डिलीवरी चलन किसके अगेंस्ट बनने वाला है, इनवॉइस के अगेंस्ट बनने वाला है। हमें डिलीवरी चलन के लिए यहाँ पे सिर्फ इनवॉइस नंबर डाला, 34 नंबर का इनवॉइस नंबर डाला, उसका पूरा डिटेल आ गया, सेव किया, जस्ट जनरेट किया, मेरा डिलीवरी चलन ओपन हो गया, जिसके अंदर तुम्हारी अमाउंट इंक्लूड नहीं रहने वाली। ओके, उसके बाद का आता है कस्टमर मास्टर का भी शॉर्टकट दिया हुआ है, आइटम मास्टर का भी शॉर्टकट दिया हुआ है। नाउ ऑल डेमो इज फिनिश नाउ। धन्यवाद।